नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उत्तर प्रदेश का नोएडा या गौतम बुद्ध नगर जिला नए आईटी हब के रूप में शुमार होने लगा है। यहां पर बड़ी बड़ी आईटी मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स कंपनियां अपनी रुचि दिखा रही है। अभी तक तो यह माना जाता था कि दक्षिण भारत ही आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब है। आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा में बने रोबोट चीन की कंपनियों को टक्कर देते नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी अमेरिका यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को हवाई पहुंचे। यहां वो होनोलुलु में स्थित अमेरिका की भारत प्रशांत रक्षा कमान मुख्यालय का जायजा लेते देखे गए। ये अमेरिकी सेना की एकीकृत कमान है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वॉशिंगटन से होनोलुलु पहुंचने पर राजनाथ सिंह की यूएस इंडो पैकॉम के एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने अगवानी की। बुधवार को राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस दौरे की जानकारी दी थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए टर्म 2 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड 2022 cbse.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन है। सीबीएसई टर्म 2 के एडमिट कार्ड कक्षा 10 और 12 तक पहुंचने के लिए उन्हें स्कूल के डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के असंतुष्ट नेता नूर आलम खान को पीपीपी के कार्यकर्ता ने पक्ष बदलने वाला कहा था, जिससे वो काफी गुस्सा हो गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लखनऊ में एक महिला डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गई है, जो पिछले कई दिनों से सर्दी जुकाम की शिकार थी। इसके बाद उसने अपनी जांच करवाई। कोरोना पॉजिटिव आई महिला कानपुर रोड स्थित अस्पताल में डॉक्टर है। महिला समेत लखनऊ में कोरोना के तकरीबन 20 सक्रिय मरीज है। भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान के करौली में न्याय यात्रा निकालते देखी गई। ये रैली करौली में हुई, हिंसा के विरोध में ये रैली हुई थी। इसके लिए भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी करौली पहुंच रहे थे। राजस्थान के करौली में जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, वहां आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन बीच में ही उन्हें रोक दिया गया। नागर विमानन महानिदेशालय ने स्पाइस जेट के 90 पायलटों के बोइंग 737 मैक्स विमान उड़ाने पर रोक लगा दी है। डीजीसीए ने इन पायलटों को उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं पाए जाने के बाद ये कदम उठाया है। डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार ने एक बयान जारी कर कहा कि अभी के लिए हमने इन पायलटों के मैक्स विमान उड़ाने पर रोक लगा दी है। विमान उड़ाने के लिए इन्हें दोबारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हासिल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नियामक प्रशिक्षण में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को सातवें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया। सवाल ये उठता है कि क्या अब तेल के दाम में बढ़ोतरी बंद हो गई है। बात यह है कि 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम में शुरू हुई बढ़ोतरी इसकी कीमतों में 14 बार वृद्धि करने के बाद बंद हुई है। पेट्रोल पंप डीलर्स के अनुसार ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम स्थिर हो गए हैं, जिससे कंपनियों ने भी अपनी कीमतें बढ़ाना बंद कर दिया है। दिल्ली के पास स्थित हरियाणा के गुरुग्राम में एक महीने से अधिक समय से के बाद कोरोना वायरस के 129 मामले दर्ज किए गए। ये संख्या ऐसे समय में ऊपर की तरफ बढ़ी है जब हरियाणा सरकार ने मास्क पर अनिवार्य टैग हटा दिया है, यानी अब हरियाणा में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है। झारखंड में देवघर रोपवे दुर्घटना के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सभी रोपवे का सिक्योरिटी ऑडिट कराने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू करें। वहीं देवघर हादसे से सबक लेते हुए बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पर अमेरिका की एक कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ट्विटर में अपने हिस्सेदारी की घोषणा जानबूझकर देरी से की है। ऐसा उन्होंने कंपनी के शेयर सस्ते रेट पर हासिल करने के लिए किया था। यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड एक्सचेंज कमीशन की फाइलिंग एलन मस्क के ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, जिसने तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। चीफ जस्टिस एन वी रोमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा के नेता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे दिल का दौरा पड़ने की खबर मिली है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार धनंजय मुंडे को माइनर अटैक आया है। इसके बाद उनको ब्रिज केंद्रीय अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। इस बीच उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जल्द ही ब्रिज केंद्रीय अस्पताल पहुंच रहे थे। हमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी और जानकारी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली के तीन मूर्ति भवन परिसर में सुबह करीब 11 बजे देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक नवनिर्मित संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते देखे जाएंगे। इस संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की गैलरी में उनके कार्यकाल के अनुसार उचित स्थान आवंटित किया गया है।
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और कल लास्ट डेट है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वो आधिकारिक वेबसाइट cpcl.co.in के जरिए इन पदों के लिए 14 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 मार्च 2022 से जारी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 72 रिक्त पदों पर भर्तियां होनी है। मानवाधिकार के संरक्षण पर अमेरिका में एक लोकतांत्रिक प्रशासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि वॉशिंगटन भारत में कुछ हालिया घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है जिसमें कुछ सरकारों पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन में वृद्धि भी शामिल है। हाल के वर्षों में एक भारतीय विदेश मंत्री की उपस्थिति में अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए इस तरह के दावे करना असामान्य है, लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रशासन के मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के अनुरूप है। रूस की अर्थव्यवस्था 2022 में 10% से अधिक की गिरावट दर्ज करने की राह पर है। पूर्व रूसी वित्त मंत्री एलेक्सी कुंद्रिन ने मंगलवार को कहा है कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में ये सबसे बड़ी गिरावट है। रूसी अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम यूक्रेन युद्ध के कारण दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान के तहत 24 फरवरी को यूक्रेन में हजारों सैनिकों को भेजा था। यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद से अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। झारखंड में देवघर रोपवे की घटना में सामने आया है कि सरकार समर्थित एजेंसी ने लगभग 3 सप्ताह पहले रोपवे का सुरक्षा ऑडिट किया था और 24 स्थानीय कर्मियों और त्रुटियों की शुरुआत की तरफ इशारा भी दिया था और 24 स्थानीय कमियों त्रुटियों की शुरुआत की तरफ इशारा भी किया था जिसमें कहा गया कि नजदीकी दृश्य निगरानी रखी जानी चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि रस्सी को साफ रखा जाना चाहिए और जंग से बचाया जाना चाहिए। रस्सी 7 साल से अधिक पुरानी है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग 50 दिन के करीब पहुंच चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भले ही रूसी सेना पीछे हट गई हो लेकिन अभी भी युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जिन शहरों पर रूसी सेना के कदम पड़ते जा रहे हैं वहां पर तांडव देखने को मिल रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के चमचमाते शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर पड़ी लोगों के शरीर को आवारा कुत्ते जो है अपना भोजन बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और चांचौड़ विधायक लक्ष्मण सिंह का फिर एक ट्वीट सामने आया है। इस बार उनके निशाने पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अटल जी भी मांसाहार अथवा मदिरा का सेवन करते थे। इस पर भाजपा का क्या कहना है, वहीं भाजपा का इस ट्वीट पर कहना है कि वो अपने परिवार के बारे में भी बताएं, नहीं तो फिर हमें पूरी सूची देनी पड़ेगी। दिल्ली में मंगलवार को भाजपा की तरफ से यमुना की सफाई अभियान चलाया गया जिसमें दिल्ली के अलग अलग घाटों पर दिल्ली भाजपा के नेता पहुंचे। सोनिया विहार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहुंचे, जिन्होंने यमुना में सफाई के और साथ ही बाकी कार्यकर्ताओं को यमुना में सफाई के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद यमुना आरती की गई। सैनिक स्कूल में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। इसके अनुसार सैनिक स्कूल नालंदा ने टीचिंग नॉन टीचिंग के पद पर वैकेंसी निकाली है। कुल 14 पदों पर नियुक्तियां होनी है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और योग्य भी हैं वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट sainikschoolnalanda.edu.in पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को देखना होगा। दिल्ली परिवहन निगम ने dtc.delhi.gov.in पर सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट फिटर और असिस्टेंट फोरमैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों की भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाएगी जो बढ़ाई जा सकती है और भर्ती अभियान में रुचि रखने वालों के पास सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट फोरमैन के पद हेतु आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए और फिटर और इलेक्ट्रीशियन पदों के लिए ITI होना आवश्यक है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि रूसी कच्चे तेल का कोई भी विकल्प नहीं है। पर्यवेक्षकों के मुताबिक ओपेक की ये राय सामने आने के बाद रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात तुरंत रोकने की अपनी मंशा पर यूरोपियन यूनियन को पुनर्विचार करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में सत्ता संभालते ही शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तोहफा अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को दिया है। दरअसल शहबाज ने सत्ता पर काबिज होते ही नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ कर दिया। ऐसा लग रहा है कि अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में बैठे नवाज शरीफ के अच्छे दिन आ गए हैं। बुलेट ट्रेन में बेशक जापानी डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बीच बुलेट ट्रेन में हिंदुस्तानी तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने तारीफ की है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि जिस गार्डर तकनीक का भारत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा है वो फिलहाल जापान में भी उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार बुधवार को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में देशभर में COVID-19 के 1088 नए केस सामने आए हैं। वहीं मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि साप्ताहिक और दैनिक सकारात्मकता दरों में भी लगातार गिरावट आई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं। 800 स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्रा जुलूस थी। रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के कार्यक्रम भी रह रहे होंगे। कहीं कोई तूतू मैं भी नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश के विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। कोरोना महामारी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जनवरी 2022 में कोरोना की एक लहर ने दम तोड़ा और स्कूल खुले तो दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में 2 साल से घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों के चेहरे खिल गए। अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन कोरोना के असर से स्कूलों का बाजार अभी भी बहुत सहमा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के 3 स्कूलों में मिले कोरोना के ताजा मामलों ने मुसीबत और बढ़ा दी है। तेजी से बढ़ रही महंगाई की बांग्लादेश के मध्य वर्ग पर कड़ी मार पड़ी है। इस तबके की मुश्किल ये भी है कि ऐसे आमतौर पर सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। ऐसे में जरूरी चीजों और सेवाओं के दाम बढ़ने से उसका बजट भी गड़बड़ा गया है। बांग्लादेश में बीते जनवरी में मुद्रास्फीति दर 5.6% थी, फरवरी में यह 6.17% हो गई, मार्च के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ मिश्रा, स्वर्णिम राज, इंडियन नॉलेज, जितेंद्र कुमार, विकास बिहारी, रंजीत मिश्रा, रंजीत रॉय, संजीत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के अलग अलग देशों में आ रहे मामलों को देखकर क्या भारत में कई जगहों पर मास्क नहीं लगाने का आदेश सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।